चुनावी घड़ी में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री को पीसीसी कांग्रेस के चीफ कमलनाथ ने उतारी आरती। बता दें कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अंदर धीरेंद्र शास्त्री को बुलाया और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। धीरेंद्र शास्त्री जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री किए, पूरा का पूरा रोड खचा खच भर गया धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए। यहां तक कि मध्य प्रदेश में धीरेंद्र शास्त्री का मदद लिया जा रहा है चुनावी घड़ी में, और बताया जा रहा है कि इनके ही पक्ष में अब की बार चुनावी रणनीति आने वाला है। तो जिस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री की कमलनाथ ने आरती उतारी और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, अब इनसे ही सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिर में 2024 का चुनाव कि कौन जीतेगा। यहां तक कि कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है वो सभी तमाम नेताओं को एकजुट करने में, और जिस तरीके से लोग आध्यात्मिकता की तरफ भी जा रहे हैं तो उनसे भी वो सलाह ले रहे हैं। यहां तक कि धीरेंद्र शास्त्री को बुलाया गया वही अत्याधुनिक कथा कराने के लिए, और जिस तरीके से कमलनाथ एकजुट हो रहे हैं अत्याधुनिक कथा के लिए, तो धीरेंद्र शास्त्री को बुला लिया है। धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए वहाँ लाखों की तादाद में जनता एकत्रित हो गई और पूरा मध्य प्रदेश झूम उठा। तो धीरेंद्र शास्त्री पहुँचे मध्य प्रदेश में, जो कि पीसीसी कमलनाथ ने वहाँ उनका भव्य तरीके से स्वागत किया और कांग्रेस की रणनीति को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में मदद उनको मिल सकती है। तो देखने वाली बात ही पीसीसी चीफ कांग्रेस के कमलनाथ ने उनका भव्य तरीके से आरती उतार कर उनका स्वागत किया और उनके तरफ से पूरा कांग्रेस की जनता एक तरफा हो चुकी है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।